हेलो गाइस, वेलकम टू द कार शो। आज आपके सामने है ऑल न्यू 2024 हुंडई क्रेटा फेसलिफ्ट। हुंडई क्रेटा फेसलिफ्ट 2024 का प्राइस 10.99 लाख रुपीस से स्टार्ट होता है और जाता है 19.99 लाख रुपीस तक। इस कार के अंदर आपके यहाँ पे काफ़ी सारे वेरिएंट्स ऑफर किए जाते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक के अंदर आपको कुछ लिमिटेड वेरियंट्स ही मिलते हैं, जैसे कि एस ऑप्शन, एस एक्स टेक और एस एक्स ऑप्शन ऑटोमेटिक। तो ये तीन बेसिकली वेरिएंट से मिलते हैं। अगर आप डीजल लोगे तो डीजल के अंदर तो बिल्कुल ही दो ऑप्शन हैं, एस ऑप्शन और एस एक्स ऑप्शन। तो आज है ना, हम इसके ऑटोमेटिक वेरिएंट्स के हिसाब से इन दो गाड़ियों को कंपेयर करने वाले हैं। ये आज हमारे पास इसका एस ऑप्शन वेरिएंट, जो कि आप कह सकते हो ऑटोमेटिक के अंदर बेस वेरिएंट रहने वाला है, और ये हमारे पास इसका एस एक्स ऑप्शन वेरिएंट, जो कि ऑटोमेटिक के अंदर ना बिल्कुल टॉप एंड वेरिएंट रहने वाला है। तो बेस वर्सेस टॉप भी आप कह सकते हो ऑटोमेटिक के अंदर इस कंपैरिजन को। बाकी देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है। प्राइस लिस्ट कंप्लीट आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। डीजल की अगर मेनली बात करें 2.67 लाख रुपीज का ना दोनों गाड़ियों के अंदर एक्स शोरूम प्राइस डिफरेंस आ जाता है, लगभग 3 लाख रुपए का यहाँ पे ऑन रोड डिफरेंस है। बाकी अब जानते हैं फीचर्स वगैरह में क्या कुछ डिफरेंस आपको मिल जाएगा, लेकिन एक पॉइंट उससे पहले मैं और ऐड करना चाहूँगा। टर्बो पेट्रोल अगर आप लेना चाहते हो तो उसके अंदर आपको सिर्फ एस एक्स ओ का ही ऑप्शन मिलता है। 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5 लीटर डीजल, ये दो ऑप्शन आपको मिलेंगे इन दोनों ही वेरियंट्स के अंदर। बाकी फ्रंट्स आप देख सकते हो दोनों गाड़ियाँ कुछ इस तरह की रहने वाली है। व्हाइट कलर में एस ऑप्शन वेरियंट है और ग्रीन कलर के अंदर इसका एस एक्स ऑप्शन वेरियंट है। बाकी फ्रंट्स यहाँ पर कोई भी इतना मेजर डिफरेंस आपको फील नहीं होगा दोनों गाड़ियों के अंदर। क्रोम ग्रिल आपको मिल जाती है हुंडई का लोगो यहाँ सेंटर में है, कनेक्टेड डीएलएल्स मिल जाती है, हेडलैम्प यूनिट आपको एलईडी में ही देखने को मिल जाता है दोनों गाड़ियों के अंदर। ये आप देख सकते हो डिफरेंस कहाँ आता है, वो आता है यहाँ पर इस फ्रंट पार्किंग कैमरा में, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स में, एडास के लिए रेडार में, और यहाँ पर इस एडास के लिए कैमरा में। तो ये सभी एक्स्ट्रा एड ऑन्स आपको एस एक्स ओ में मिलेंगे एस ओ के कंपैरिजन में। यहाँ पर आप देख सकते हो क्योंकि भी कैमरा वगैरह नहीं है, बाकी कॉस्मेटिक चेंजेस वगैरह कुछ भी आपको नहीं मिलेंगे। इंपॉर्टेंट फीचर्स ही बेसिकली इसमें ऐड ऑन किए गए हैं। स्केट प्लेट डिजाइन वही है, ग्रिल वही है, लोगो वही है, डीआरएल्स वही है, हेडलैम्प यूनिट वही का वही है। बाकी अब बात करते हैं हम साइड प्रोफाइल के बारे में, क्योंकि साइड में बहुत बड़ा मेजर चेंज आपको यहाँ पर देख ही रहा होगा, वो आ जाते हैं यहाँ पर इनके अलॉय व्हील्स के अंदर। अलॉय व्हील्स का डिजाइन बिल्कुल सेम रहने वाला है दोनों गाड़ियों के अंदर, 17 इंचेस ऑल ब्लैक अलॉय व्हील्स, डायमंड कट अलॉय व्हील्स। मेरे को पर्सनली ऑल ब्लैक ज्यादा पसंद आ रहे हैं, आपको कौन सा आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अपोलो के टायर्स यहाँ मिलेंगे, यहाँ जेके के टायर्स। बाकी टायर प्रोफाइल भी बिल्कुल सेम है, 215/60R17। ऑल फोर डिस्क ब्रेक्स आपके यहाँ दोनों ही गाड़ियों में मिलेंगी। फुल बॉडी क्लैडिंग बिल्कुल सेम है। ओवर बीएम्स अब आप यहाँ पर देख सकते हो, दोनों ही आप इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट एंड फोल्ड कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर आ जाता है इसमें ये 360 कैमरा, जो कि ना आपको इस वेरिएंट के अंदर यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। बाकी अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा आपकी कार के लिए इन्वॉल्व वन के मोहितो लेमन का परफ्यूम के बारे में। ये परफ्यूम एक बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस आपको ऑफर करता है, जो कि एक बहुत ही मज़ेदार से इफेक्ट आपको दे देगा आपकी कार के अंदर। बाकी जैसे असली मोहितो लेमन पीने के बाद जो रिफ्रेशमेंट आपको फील होती है, वही सेम इसको लगाने के बाद आपको आने वाली है कार के अंदर। तो जरूर से जाकर इसे बाय करें, लिंक आपको इसका नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। 2 to 3 months तक ये परफ्यूम लास्ट भी कर जाता है, और ऊपर यहाँ पर इसमें फ्रेग्रेंस कंट्रोल लिड भी आपको दी जाती है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। बाकी अब बात कर लेते हैं और डिफरेंसेस की, तो यहाँ पर आ जाएंगे क्रोम डोर हैंडल्स, रिक्वेस्ट सेंसर के साथ यहाँ पर आपको बॉडी कलर्ड हैंडल मिलता है, लेकिन रिक्वेस्ट सेंसर आपको ड्राइवर साइड पर मिल जाएगा। ये एक डिफरेंस है, अलॉय व्हील्स का डिफरेंस है। बाकी साइड से आप देख सकते हो बिल्कुल ही सेम रहने वाली है दोनों गाड़ियाँ, और यहाँ पर एक कैमरा का डिफरेंस है। तो तीन ये डिफरेंस आ जाएंगे साइड प्रोफाइल में। रूफ बिल्कुल सेम है, यहाँ सनरूफ है, रूफ रेल्स हैं, शार्क फैन एंटीना है, बिल्कुल सेम यूनिट आपको देखने को मिलेगा। पीछे से भी दोनों गाड़ियाँ लगभग सेम ही आपको लगने वाली हैं। ये वाइपर वॉशर डिफॉगर आपको यहाँ पर दोनों वेरियंट्स में मिल जाएगा। ब्रेक स्टॉप लाइट है यहाँ पर ऊपर इसके स्पॉइलर के साथ, एलईडी कनेक्टेड टेल लैंप्स आ जाती हैं, सिक्वेंशियल साइड टर्न इंडिकेटर्स के साथ। एसएक्स वेरिएंट की बैजिंग यहाँ पर आएगी। इस वाली कार के अंदर आपको कोई भी बैजिंग नहीं मिलेगी, क्रेटा की बैजिंग बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो। रिवर्स पार्किंग कैमरा यहाँ पर इसमें दिया गया, एंड ये तो इसमें यहाँ पर इसके अंदर आता ही है। चार पार्किंग सेंसर्स इसमें आ जाएंगे और चार ही उसमें दिए गए। रिवर्स पार्किंग लाइट यहाँ पर इसमें नीचे की तरफ आपको मिलती है। बूट खोल लेते हैं, क्योंकि बूट में भी यहाँ पर एक डिफरेंस आ जाता है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक टेलगेट वगैरह दोनों में ही नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर ऐसे कुछ इसका बूट खोलना पड़ेगा। पार्सल ट्रैप यहाँ पे सबसे पहले दोनों वेरिएंट्स के अंदर देखने को मिल जाती है। यहाँ पर लाइट आ जाती है,
यहाँ पर इसमें बॉस का एक स्पीकर दिया गया जो कि आपको इसी वेरिएंट के अंदर मिलेगा। इस वेरिएंट के अंदर ना आपको यहाँ पे बॉस का स्पीकर नहीं मिलता है। यह सीट जो है 60-40 स्प्लिट फंक्शन के साथ आ जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। दोनों के अंदर आप बूट स्पेस बेसिकली एक्सटेंड करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी आप बंद कर देते हैं। और नया वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई सी भी हुंडई की कार बाय करना चाहते हो तो आप ज़रूर से विजिट करें जोशी हुंडई जो कि है इंडस्ट्रियल एरिया चंडीगढ़ में। कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड एड्रेस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका मिल जाएगा। अब हम चेक कर लेते हैं अंदर के डिफरेंसेस की अंदर क्या कुछ मेजरली आपको डिफरेंट मिलने वाला है दोनों गाड़ियों में। डोर पैड आपको यहाँ पे सबसे पहले ध्यान चाहूँगा, थोड़ी जगह कम है इधर से हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह का यहाँ पर इसका डोर पैड रहने वाला है। ड्यूल टोन के अंदर ही आपको मिलेगा। विंडो का स्विच है यहाँ पर इसके अंदर, हार्ड प्लास्टिक है। विंडो कर्टन मैनुअल टाइप की आपको मिल जाएगी। पावर विंडो का स्विच आप देख सकते हो। स्पीकर आपको नॉर्मल टाइप का इसमें दिया गया है। बॉटल होल्डर आपको मिल जाता है। बाकी स्पेस वगैरह एंटर एग्जिट करने में बिल्कुल सेम रहेगी दोनों ही गाड़ियों में। एंड इधर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम आपको यूनिट देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर बेसिकली एक्स्ट्रा सॉफ्ट कुशनिंग इस पर एड ऑन हो गई है, ठीक है। और यहाँ पर बॉस का स्पीकर एड ऑन हो गया और कर्टन वगैरह वही सेम रहने वाला है पहले। और अब मैं आपको एस ओ के पहले इंटीरियर्स वगैरह पूरे दिखाई देता हूँ। ये देख सकते हो आप, हेडरेस्ट आपको मिलेंगे एडजस्टेबल टाइप के, आर्मरेस्ट आपको यहाँ पे सेंटर में इसमें दिया गया है। कुशनिंग वगैरह एक्स्ट्रा आपको नहीं मिलेगी। फैब्रिक में सीट्स रहेंगी, एसी वेंट्स यहाँ पर रहेंगे और टाइप सी पोर्ट्स आपको मिल जाएंगे ऊपर। यहाँ पर इसमें सनरूफ भी आपको दी गई है। बाकी तो ऐसी कुछ है, आइसोफिक्स सीट माउंट्स हैं। सीट्स भी आप आगे पीछे अपने हिसाब से एडजस्ट वगैरह कर ही सकते हैं। अब बात करें अगर हम एसएक्स ओ की, तो 3 लाख रुपए ज़्यादा दे रहे हो, क्या कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता है? कुशनिंग में आपको दिखा चुका हूँ, लेदर के अंदर ही आपको इसमें एक्स्ट्रा मिल जाती है। बाकी सीट्स जो है यहाँ पे परफोरेशन के साथ आती है और लेदर के अंदर ना ये पूरी सीट्स आपको मिलेंगी। हेडरेस्ट के ऊपर आपको ये एक्स्ट्रा कुशनिंग मिल जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और आर्मरेस्ट तो आपको यहाँ सेंटर में इसका मिलता ही है। एसी वेंट्स वही हैं और यहाँ पे टाइप सी पोर्ट्स भी वही हैं। ऊपर की तरफ लाइट भी आपके यहाँ नीचे इसके हैंडल के दी गई है तो वो भी वही है। बाकी सनरूफ का व्यू आप यहाँ पे भी देख सकते हो, कुछ इस तरह का आपको मिलेगा। तो रियर में भी डिफरेंसेस लगभग आपको सभी दिखाई दिए। अब हम चल लेते हैं आगे वाली सीट्स में, आज देखते हैं वहाँ पे क्या कुछ डिफरेंट आपको दोनों गाड़ियों में देखने को मिलता है। पहले हम चलते हैं अब इस एस ओ वेरियंट की फ्रंट सीट में, फिर हम चलेंगे एस एक्स ओ की फ्रंट सीट में, क्योंकि देखो प्रीमियम बाद में फील करना चाहिए ना। तो डोर पैड कुछ इस तरह का रहने वाला है। प्रीमियम ये भी कार बहुत है, बट वो ये एक्स्ट्रा प्राइस उसके लिए आप पे कर रहे हो तो उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन्स तो मिलते हैं। हार्ड प्लास्टिक है यहाँ पर, उसके अंदर सॉफ्ट कुशनिंग है यहाँ पर। बाकी बॉस का यहाँ पे कोई भी स्पीकर नहीं है, इसके अंदर नॉर्मल स्पीकर्स आपको मिलेंगे हुंडई की तरफ से। उसके अंदर बॉस के स्पीकर्स आएंगे, मैनुअल एडजस्टमेंट आएगी सीट्स के अंदर, उसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिलेगी। सीट्स फैब्रिक में रहेंगे, उसके अंदर आपको लेदर सीट्स मिलेगी वेंटिलेशन परफोरेशन के साथ। चाबियों में भी डिफरेंस है, यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह की कीज आएगी। लॉक अनलॉक के ऑप्शन साथ 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 टेलगेट भी आप यहीं से इसमें ओपन कर सकते हैं। उसके अंदर आपको रिमोटली इंजन स्टार्ट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं यहाँ से कार को। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि ना कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। एंड ये भी डिफरेंट टॉप एंड वेरियंट से। डैशबोर्ड लेआउट देख सकते हो, 8 इंचज की स्क्रीन आएगी ये वाले वेरियंट के अंदर। एंड एक फीचर ऐसा है जो कि इस वेरिएंट के अंदर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा एस एक्स ओ के मुकाबले, वो है वायरलेस एप्पल कारप्ले और वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो। ये दोनों फीचर्स आपको यहाँ पर इस वेरिएंट के अंदर मिल जाएंगे, लेकिन उसके अंदर ये दोनों चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं। तो ये आप देख सकते हो 8 इंचज की स्क्रीन यहाँ पर है। फीचर्स वगैरह काफ़ी सारे अच्छे अच्छे आपको मिल जाते हैं। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, AM/FM ब्लूटूथ चॉइस भी आपको मिलता है। ड्यूल जोन AC आ जाएगा यहाँ पर इसके अंदर। एंड AC का लेआउट भी ना मेरे को पर्सनली ये वाली वेरिएंट का ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसके अंदर थोड़ा ओवर क्राउडेड मेरे को पर्सनली लग रहा है, बाकी अपनी अपनी सबकी राय रहती है। वायरलेस चार्जिंग पैड नहीं आएगा इसके अंदर। टाइप सी पोर्ट है, टाइप ए पोर्ट है। 12 वॉट्स का पावर आउटलेट है, 6 स्पीड मैनुअल में। अभी आप स्पेसिफिकली ये देख रहे हो मैनुअल और ऑटोमेटिक के अंदर ना सिर्फ एक गियर बॉक्स और एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक का डिफरेंस आ गया। इसके अंदर एसओ में भी मैनुअल हैंड ब्रेक है, अगर ऑटोमेटिक लोगे ऐसा तो उसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक बेसिकली मिल जाती है। एंड बेसिकली कंट्रोल थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। एसओ अभी कहीं पर भी नहीं है, यूट्यूब पर भी मैंने देखी। बाकी जैसी प्रॉपर एसओ ऑटोमेटिक आ जाएगा, हम डिटेल में एक और बारी फिर से कंपेरिजन बना लेंगे। एक बार तो यार देखो बेस वर्सेस टॉप में को ये बनाना था कि ऑटोमेटिक अगर आप लेते हो तो क्या कुछ आपको डिफरेंस फील होगा। ग्लव बॉक्स देख सकते हो, सनरूफ आपको पैनोरामिक दी गई है वन टच ओपन क्लोज फंक्शन के साथ। एंड ये आपको सीट्स कुछ इस तरह की मिलेगी फैब्रिक में। यहाँ पे सॉफ्ट कुशनिंग वगैरह आपको मिल ही जाती है, स्टोरेज स्पेस भी है। और तो बाकी कैबिन ऐसा कुछ है, यहाँ पर नॉर्मल डे एंड नाइट IRVM है। लाइट्स LED में, सनरूफ का व्यू आप देख सकते हो कुछ ऐसा आपको मिल जाता है। सिंगल प्रेस में आप इसे बंद भी कर पाएंगे। एयरबैग की बैचिंग है, बेस वेरिएंट इस कार में 6 एयरबैग्स ऑफर किए जा रहे हैं जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। बाकी तो यार अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, ये कंपैरिजन पसंद आ रहा हो, ज़रूर से वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना
और अगर आप कोई सी भी कार बिना वेटिंग पीरियड के जल्द से जल्द बाय करना चाहते हैं तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, नीचे स्क्रीन पर आपको यूजर आईडी दिख रहे होगा, और फॉलो भी यार जरूर से जाके कर लेना। बाकी तो लेदर आप स्टेयरिंग व्हील एक्सपीरियंट के अंदर आपको नहीं मिलेगा, एंड ऐसी कुछ ये कार है कंप्लीट। अब हम चल लेते हैं SXO के अंदर, वहाँ पे देखते हैं कि क्या डिफरेंट है इसके मुकाबले, और क्या आपको 3 लाख रुपये एक्स्ट्रा स्पेंड करने चाहिए। ऑन रोड 2.67 है वैसे तो इसका एक शोरूम प्राइस डिफरेंस डीजल की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, बाकी प्रॉपर चार्ट तो आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो प्राइस का। एंड ये भी आप देख सकते हो डोर पैड लेदर पैडिंग आपके यहाँ मिलेगी सबसे पहले, और कोई डिफरेंस आपको फील नहीं होगा। बॉस का स्पीकर यहाँ पे ऐड ऑन है, इलेक्ट्रॉनिक सीट्स है, इलेक्ट्रिक सीट्स है यहाँ पर इसके अंदर ऐड ऑन में, एंड वेंटिलेशन परफोरेशन सीट्स के अंदर आ रही है, लेदर के अंदर सीट्स है, लेदर के अंदर आपके यहाँ स्टेयरिंग व्हील पूरा का पूरा मिलेगा। और यहाँ पर भी एक डिफरेंस है ओवर नियम से, अगर आप ध्यान से देखते हो ना तो यहाँ पर आपको कोई भी मार्क वगैरह नहीं मिलेगा इसके अंदर। अगर आपके पीछे कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, पता नहीं आपको दिख पा रहा है या फिर नहीं, तो ये अगर आपको दिख रहा है मार्क, तो ये अगर मार्क आपको दिख पा रहा है तो ये वाला आपको ग्लो करता हुआ दिखेगा अगर आपके आगे पीछे कोई ऑब्जेक्ट होगा। ऑटो ब्रेकिंग आती है कार के अंदर पीछे से भी और आगे से भी, अगर आगे से भी कुछ आ जाता है एकदम से इस कार में तो ये ब्रेक लेगी ऑटोमेटिकली, और पीछे भी आ जाता है तो भी ये ऑटोमेटिकली ब्रेक लेगी। साइड से कोई आ रहा है तो उसका भी इंडिकेशन आपको मिलेगा प्रॉपर स्क्रीन के अंदर ही। एंड यहाँ पर अगर हम देखें फ्रंट पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ करने का बटन ऐड ऑन हो गया। इसके अलावा यहाँ पर देखने में स्क्रीन में डिफरेंस आएगा, यहाँ पर पूरी कनेक्टेड बढ़िया सी स्क्रीन लगती है, इसके अंदर आपको बटन ऊपर ही मिलते हैं, इसके अंदर आपको स्क्रीन के लिए बटन नीचे दिए गए। इग्निशन ऑन कर लेते हैं कार का, एंड ये भी आप मैनुअल में फिलहाल देख रहे हो। वेंटिलेटेड सीट्स आ गई हैं इस वेरियंट के अंदर, बाकी यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग पैड इसमें ऐड ऑन हो गया, और एसी का ये यूनिट देखो थोड़ा सा उससे ज़्यादा बिजी आपको ये फील होगा। वायरलेस एप्पल कारप्ले इसमें नहीं है, उसके अंदर आपको मिलता है, इसके अंदर आपको उसकी जगह पे इनबिल्ट नेविगेशन मिलेगी, और आपको यहाँ वैले मोड क्वाइट मोड मिलेगा, जियो 7 की सब्सक्रिप्शन मिलेगी, ब्लू लिंक मिलेगा, और भी काफ़ी सारे फीचर्स एड ऑन इसमें किया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल भी आप यहीं से इसमें सेट कर सकते हो। एम्बिएंट लाइट इसमें आ गई है, ये आप नीचे देख पा रहे हो अगर, तो ये थोड़ी सी एम्बिएंट लाइट आपको यहाँ मिल जाती है वार्म कलर की आपको बेसिकली मिलती है। ऑटो डिमिंग IRVM आ गया इसके अंदर, और कैमरा क्वालिटी आप देख ही सकते हो कुछ इस तरह की आपकी कैमरा क्वालिटी मिल जाती है। फ्रंट रियर दोनों पार्किंग सेंसर्स हैं, प्रॉपर 360 व्यू आपको यहाँ पर इसमें मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। ये बेसिकली इसमें एक प्लस पॉइंट है, एडास में आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हो एडास का सेंसर। एक और काफ़ी अच्छा फीचर इसमें ऐड ऑन किया गया वो मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये आप देख सकते हो एक तो पार्किंग सेंसर्स वगैरह का है, और अगर आप इंडिकेटर दोगे ना तो यहाँ पे प्रॉपर डिस्प्ले आएगा इंडिकेटर का दोनों ही साइड्स का। तो ये एक फीचर इसमें बेसिकली नया एड ऑन कर दिया गया है जो कि आपको इस वेरियंट के अंदर नहीं मिलता है। सनरूफ वही सेम रहने वाली है, सीट्स मैं आपको दिखा चुका हूँ, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आ गई है, आर्मरेस्ट वही सेम है, इस पर थोड़ी क्वेश्चनिंग मेरे को उससे ज़्यादा लग रही है, और अंदर स्टोरेज स्पेस भी आपको मिल जाती है। बाकी तो वही सेफ्टी के अंदर 6 एयर बैग्स वगैरह आ जाते हैं, और बॉस के स्पीकर्स वगैरह इसमें हैं, यहाँ पर ऊपर सबवूफर भी दिया गया है। बाकी तो ये सभी फीचर्स वगैरह जो दिख रहे हैं वो हैं। आपको कुछ अगर ऐड ऑन लग रहा है जो मेरे से शायद मिस हो रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मेरे को लग रहा है लगभग मैंने सभी फीचर्स वगैरह बता ही दिए हैं। अगर कुछ भी अगर एक आधा पॉइंट भी अगर आपको लगता है कुछ है जो मैं मिस कर रहा हूँ तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि बाकी व्यूअर्स को भी पता लग जाए कि हाँ एक और इसमें ऐड ऑन फीचर वगैरह मिल रहा है उसके कंपैरिजन में। बाकी तो चलो यार इतने रखते हैं इस कंपैरिजन के लिए, आई होप सभी आपके डाउट्स वगैरह क्लियर हो गए हो। बेस ऑटोमेटिक और टॉप ऑटोमेटिक के अंदर बेसिकली क्या कुछ फर्क आएगा, 3 लाख रुपए का फर्क आता है मोटा मोटा ऑन रोड अगर हम देखते हैं तो एस ऑप्शन और SX ऑप्शन के अंदर। अब लेनी कौन सी चाहिए इन दोनों में से वो डिसाइड कर लेते हैं। तो देखो यार ये टोटली डिपेंड करता है आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, अगर मेरे को एक कार चूज करनी हो तो मैं तो एस ऑप्शन की तरफ ही जाऊंगा क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट्स इसके अंदर पूरी हो रही हैं। 3 लाख रुपए मेरे को एक्स्ट्रा स्पेंड करना मेरे लिए वर्थ इट नहीं लगता है, लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए लाइक 360 कैमरा, आपको एडास चाहिए, वो आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आपको ये सब चीज़ें चाहिए ना तो डेफिनेटली यही वेरियंट आपके लिए बना, आप ज़रूर से इसे ऑप्ट करें। बाकी नॉर्मल यूसेज वगैरह अगर आपका है तो आप भी मेरी तरह एस ऑप्शन की तरफ ही जा सकते हैं। इसके अंदर लग्जरी फीचर्स हैं काफ़ी सारे जो कि नो डाउट काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बट वही है लग्जरी के लिए आपको एक्स्ट्रा प्राइस भी यहाँ पर पे करना पड़ ही रहा है। बाकी तो चलो यार इतने रखते हैं वीडियो के लिए, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो जरूर से वीडियो को लाइक और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसे और डिटेल्ड कंपेरिजन के लिए। बाकी ना यार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा इन्वॉल्व के मोहितो लेमन का परफ्यूम का, जिसे कि जाकर ना आप जरूर से बाय कर लें ताकि आप भी मेरी तरह अपनी कार के अंदर एक मस्त सी फ्रेग्रेंस का मजा ले सकें। बाकी अगेन स्पेशल थैंक्स टू जोशी हुंडई जिन्होंने ये कार मेरे को यहाँ पर एक साथ प्रोवाइड कर दे दी।
इतने रखते हैं वीडियो के लिए। थैंक यू।